दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ दुबई के वीजा के बारे में, कितने प्रकार के वीजा होते हैं, अगर आप यूएई आना चाहते हैं तो कौन कौन से वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं हूँ सतीश न्याल और आप देख रहे हैं UKFM। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा ताकि मैं आगे भी आपको दुबई के बारे में बताता रहूँ। सबसे पहला वीजा होता है टूरिस्ट वीजा, जिसको हम विजिट वीजा भी बोलते हैं, जिसको लोग बेसिकली यूज करते हैं। दोस्तों अगर दूसरे वीजा की बात करूँ तो दूसरा है मेडिकल एंट्री परमिट। जो मेडिकल लाइन से होते हैं या डॉक्टर होते हैं वो इसको अप्लाई करके आ सकते हैं। जैसे कि आपने कोरोना में देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर या जो बहुत सारे मेडिकल लाइन के बंदे यहाँ पे आए थे। अगर हम तीसरे वीजा की बात करें तो ई वीजा 4GCC होता है, जो कि 3 और 7 दिन के लिए होता है। चौथे की अगर बात करें तो होता है ट्रांजिट वीजा, जिसमें आप अगर आप दुबई से कुवैत जा रहे हैं या कुवैत से दुबई आ रहे हैं तो ट्रांजिट कर सकते हैं 10-12 दिन के लिए। अगर हम पांचवी वीजा की बात करें स्टूडेंट वीजा, जो स्टूडेंट अपने पढ़ने के लिए आते हैं वो यूज करते हैं खासकर। अगर हम छठे और लास्ट वीजा की बात करें रिटायरमेंट वीजा फॉर रेजिडेंस, जो रिटायर लोग होते हैं उनको ये मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना यूए में या अब्रॉड में कितने प्रकार के वीजा होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए विचार के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।